हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजी किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैंने जीके जीएस की सुपर सीरीज काफ़ी सारे करवा दिए। मैथमेटिक्स को भी मैं चाहता हूं कि उनके बराबर लेके जाए, इसलिए आपको पता है कि बार मैथमेटिक्स की ज़्यादा क्लास मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ। तो जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी हम आर्मी के लिए लाइव क्लास प्रोवाइड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप शुरुआत से क्लास को आनंद ले पाए। ये टेस्ट सीरीज जो हम चला रखी है सुपर सीरीज के तहत, जीके जीएस की लगभग 23-24 सीरीज हमने करवाई थी अलग अलग, जीके की यही 22-23, जीके की और यही जीएस की 22-23। और बात करें मैथमेटिक्स की, आज सीरीज नंबर 6 रहने वाली बड़ी शानदार होगी, जो कि आपके एग्जाम में जिनका 1 नवंबर को एग्जाम है उनके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। चलिए दोस्तों, बिना देर के सेशन की शुरुआत करते। इससे पहले सभी विद्यार्थी को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय मां शारदे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके, ये क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं वो सारे एग्जाम में आए हुए हैं। आज के लगभग क्वेश्चन की बात करें तो आपके बीकानेर भर्ती में आए हुए क्वेश्चन है, तो सभी विद्यार्थी ध्यान रखिएगा, 2018 में आए हुए हैं और कुछ 2013 के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए। तो सभी विद्यार्थियों को सेशन पूरा देखना है, आपको पता चल पाए आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दे रखा है, टेन थीटा बराबर 21 बटे कितना 28 है। पहले बात तो कर लेते हैं टेन थीटा का मतलब क्या होता है। यदि आपको लाल बट्टा कक्का के अनुसार देखें तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है। क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है, यह आप सबको पता होना चाहिए। ये मान आपको दे दिया कि कितना दिया 21 बट्टे में कितना दिया 28 दिया। अब आपको पता है लंब का मान कितना है 21 है और आधार का मान कितना 28 है, इसका मतलब हमें करंट की वैल्यू चाहिए। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, करंट की वैल्यू चाहिए। तो करंट की वैल्यू हम निकालने के लिए क्या करेंगे, करंट बराबर क्या होता है आपको पता है, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का क्या लेते हैं, रूट लेते हैं। यह आप सबको पता है, तो आराम से जल्दी से सभी विद्यार्थी निकाल लीजिएगा ये रूट उनको लेके। तो 21 का वर्ग करना है पहले, तो 21 का वर्ग करके फिर 28 का वर्ग करना है, 21 का वर्ग प्लस 28 का वर्ग। यदि आप ये निकाल के देखोगे, हल करोगे पूरा जोड़, पहले क्या करोगे वर्ग करके फिर जोड़ करके फिर रूट निकालोगे, तो आपका जवाब आएगा ये कितना आएगा, करण कितना आएगा 35 आएगा, करण कितना आएगा 35 आएगा। ये सभी विद्यार्थी आप एक बार हल कर लेना, क्योंकि स्क्रीन आपको पता है कम होने के कारण मैं यहाँ हल तो नहीं कर पाऊंगा, फिर भी आप समझ गए होंगे कितना आएगा 35 आएगा। अब बात कर लेते हैं आपको निकालना क्या है, आपको निकालना साइन थीटा की वैल्यू, यानी अनुपात कौन सा निकालना है, साइन वाला निकालना। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है आपको पता है, लाल बटा कक्का के अनुसार देखिए तो लंब बटे क्या होता है, करण होता है, लंब बटे करण होता है। इसका मतलब लंब भी आपके पास है, करण भी हमने निकाल लिया, तो लंब कितना 21 और करण कितना आपको पता है 35, कितना है 35। तो आराम से बता सकते हो 21/35 आपका क्या आएगा, जवाब आएगा जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल 21/35 ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है, बिल्कुल। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जल्दी से जवाब दीजिएगा। जिन्होंने नहीं दिया एक बार हल कर लीजिएगा और सभी नोट कर लीजिएगा जिनको नहीं आता है। चलिए दोस्तों, क्योंकि कई बार आपको त्रिकोणमिति से क्वेश्चन देता है तो आपको एक अनुपात देता है त्रिकोणमिति और दूसरा आपको ज्ञात करने के लिए बोलता है। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, दो आपके इनके सामने। इस क्वेश्चन में काफी सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या दे रखा है, 4:7 का समतुल्य अनुपात है। समतुल्य अनुपात का मतलब क्या होता है, जिनको काटने पर वैल्यू क्या प्राप्त हो, 7:7, ये 4:7 प्राप्त होना चाहिए। काटने पर वैल्यू क्या प्राप्त होनी चाहिए, 4:7 होना चाहिए। अब यदि आप इसको देखोगे तो ये तो कटेगा नहीं, आपको पता है ये कटेगा नहीं, किसी भी संख्या से नहीं कट रहा, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं, यदि मैं इसको काट करके देखूं, 2 से काट करके देखो कितना आ रहा है, 7, यानी 4:7 कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। यदि आप 2 से काट कर देखोगे तो कितना आ रहा है, जल्दी से काट लीजिएगा, 4:7 आएगा। कितना आएगा, 4:7 आ रहा है बिल्कुल, क्योंकि 2 से काट दिया हमने। और इसको काट करके देखो, किससे काटोगे आप, काट करके देखो जल्दी से, आप इसको 7 से काट दो, कितने बार कटा, 4 बार कटा, और फिर 7 से 49 कितने बार कटा, 7 बार। इसका मतलब 4:7 आ रहा है बिल्कुल इन दोनों में, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, बी और सी दोनों राइट होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, यह नहीं होगा। यदि पहले वाले की बात करें, आप काफी सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं और उनको लगता है ये 4:16, 7:49, ये क्या कहलाता है, ध्यान रखिएगा ये कहलाता है आपका कौन सा अनुपात कहलाता है, वर्ग का अनुपात कहलाता है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना, समतुल्य अनुपात या समानुपात का मतलब होता है काटने पर वही वैल्यू आनी चाहिए और समान संख्या से कटनी चाहिए, ठीक है, ये आप खास तौर से ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, जल्दी से सभी विद्यार्थी करने की कोशिश करिएगा। तो अब मैं करके बता देता हूँ इसको, तो आप यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ थोड़ा सही नहीं लिखेगा, -16 है, ठीक है ना। यहाँ ऊपर कितना है, -16 है, ये थोड़ा -1 लिख रखा है, -16 कर लो, ठीक है। ये आया हुआ क्वेश्चन आपको पता होगा 28 अक्टूबर 2018 की भर्ती में आया था। तो आपको -16 से -16 मैंने क्या कर दिए, काट दिए। और हम बात कर लेते इस दो को, इस दो से काट दिए तो बचा कितना, -2 बचा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, -2 बता रहे, ए बिल्कुल उनका उत्तर सही है। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे चुके हैं, तो क्वेश्चन को थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, -16 है वहां, ठीक है, -1 नहीं है, केवल -16 है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और क्लास आपको अच्छी लग रही है तो सभी विद्यार्थी दिल से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और रेगुलर आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड करते रहे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के सामने, एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका क्या बताना है आपको, उसका आयतन बताओ। तो गोले की त्रिज्या आपको दे दिया, आयतन बताना। आपको पता होगा गोले का आयतन क्या होता है, जल्दी से विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा जिनको सूत्र मालूम नहीं है, क्योंकि गोले के आयतन का सूत्र भी काफी बार आ चुका, आपको पता होगा। तो गोले का आयतन होता है 4/3, क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, क्या होता है, पाई आर क्यूब होता है। इसका मतलब 4/3 हमने लगा दिया, 4/3, और पाई का मतलब कितना होता है, 22/7 होता है, सबको मालूम है। और बात कर लेते हैं आर का मतलब कितना दिया, 7 दिया, कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है, क्योंकि आर क्यूब है, और ये 7 से 7 मैंने क्या कर दिया, कट कर दिए। अब आपको पता है इनको गुणा करना है और भाग देना है, ये तो आप कर लोगे, ऊपर वालों को गुणा करके फिर 3 का भाग दे के आप देखोगे तो आपका जवाब आएगा 1437.33, कितना आएगा, 1437.33, और किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि आयतन किस में आता है, क्यूब में आता है। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे, बिल्कुल उत्तर सही। एक बार गुणा भाग करके देख लेना। अब कई विद्यार्थी क्या करते हैं, सर गुणा करने पे इतना नहीं आ रहा, ऊपर वाला जो भी आ रहा है मेरे हिसाब से इतने आएगा, थोड़ा आप गुणा भाग एक बार करके देख लेना, ठीक है। 1437.33 आपका जवाब आएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 5 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। ऊपर वाले का रूट निकालोगे, 0.09 मतलब 2 अंक है, इसका मतलब पॉइंट के आगे फिर 1 अंक आएगा, 9 का मतलब होता है 3, कितना 3, और पॉइंट के आगे 1 अंक हो गया, बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं नीचे वाले का हम निकालेंगे, तो नीचे वाले की बात करें तो आपको पता है पॉइंट के आगे कुल मिला के 4 अंक है, इसका मतलब 2 अंक आएगा। 4 का रूट कितना आता है, 2 आता है, 4 का रूट कितना है, 2 है, और 2 अंक हमें लगाने, इसका मतलब 1 0 लगाया और फिर पॉइंट लगाया और फिर इधर 0 लगा देते, यह आपका जवाब है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल 0.3/0.02 वाला जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ए बता रहे, बिल्कुल उत्तर सी। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे चुके हैं। अब बात कर लेते हैं इसको आगे हल करना भी कई बार दे सकता है, आपको पता है यदि हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितने शून्य लगेंगे, ऊपर लगेंगे 2, ऊपर शून्य कितने लगेंगे, 2, और नीचे कितने लगेंगे, 1, क्योंकि आपको पता है शून्य ऊपर वाले के अनुसार नीचे लगता है और नीचे वाले के अनुसार ऊपर शून्य लगता है पॉइंट हटाते हैं। अब काट दीजिएगा जल्दी से कितना आएगा, और 2 का भाग 2 30 में आपको पता 15 आएगा, तो ये आपको 15 जवाब में भी दे सकता है, लेकिन अगले ने इतना ही दिया आगे हल नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। अच्छा है आपकी स्क्रीन के सामने है। आपको दे रखा है 5, 15, 25, 75 का एलसीएम निकालो। एलसीएम का मतलब लघुतम समापवर्त्य बताओ, तो आप आराम से बता दोगे। आपको पता है 75 में सबका भाग जा रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, ए राइट होगा। चलिए नॉर्मल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 7 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। 2 नल 1 टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भरते, कितने 10 और 15 घंटे में भरते, तो दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में टंकी को भरेंगे। तो आपको पता है 1 10 में भर रहा है, बिल्कुल कितने में, 1 10 में और 1 15 में, ये तो काफी बार आ चुका है 10 और 15 के लिए, आपको पता हूं भी होना चाहिए 6 आता है। एलसीएम कितना आया, एलसीएम पहले हम निकाले थे 30 आया, 10 और 15 का एलसीएम, और एलसीएम में दिनों का या घंटे दे रखे तो घंटे का भाग देंगे 3 अनुपात में, और ये अनुपात में कितना आएगा, 2, तो ये आपकी कार्य क्षमता आ गई। 3 और 2 क्या, ये कार्य क्षमताओं का अनुपात है, हमेशा ध्यान रखना है, दिन दे रखे हो कार्य क्षमता हम निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते टोटल काम कितना है, 30 है, और दोनों को मिला के करवाना है, मिला के काम कितना करे, 5, 30/5 का मतलब 6 घंटे, कितना आएगा जवाब, 6 घंटे वाला जो बता रहे ना, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 8 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। निम्नलिखित अनुक्रम का 1
अगला पद ज्ञात कीजिए। अगला पद आपको ज्ञात करना है, श्रेणी आपको दे रखी है, जो भी है आपको पता है अनुक्रम का अगला पद बताना है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। आपको पता चल गया होगा 12 से कितना आया, 12 से कितना कम किया, आपको पता है 9 कम किया, कितना कम किया 9 कम किया, यानी माइनस 9 किया तो कितना आता आपको पता है 3 आता है। बिल्कुल आगे माइनस 9 किया तो आपको पता है माइनस 2 यानी 9 कम कर रहा है, इसका मतलब कितना आएगा आपका माइनस के 6 आएगा, यानी आगे भी माइनस के 9 करना पड़ेगा और माइनस के 9 और माइनस के 6 यानी कितना हो जाएगा माइनस के 15। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। आपको पता है 9 कम कर रहा है, इसका मतलब आपको पता है माइनस 6 में से 9 कम करेंगे माइनस के 15 आएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 9 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, काफी सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। अर्धवृत्त कोण कितने डिग्री का होता है, पहले बात तो आप नोट कर लो, सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, वृत्त कोण कितने डिग्री का होता है, वृत्त कोण तो आप सभी बता दोगे, कोई इसमें मतलब अलग बात नहीं है, सभी बताओगे कितना होता है। वृत्त कोण होता है 360 डिग्री का कोण। क्यों कहते हैं 360 डिग्री के कोण को वृत्त कोण, क्योंकि एक 360 डिग्री का कोण बनने पे क्या बनता है, पूरा वृत्त बनता है, इसी कारण इसको वृत्त कोण कहते हैं। अब अगले ने कहा अर्धवृत्त कोण बताओ, कौन सा कहा है अर्धवृत्त कोण, यानी वृत्त का क्या होगा आधा होगा, 360 बटे में कितना करोगे 360 बटे में 2 करोगे, यानी 180 डिग्री होगा। अर्धवृत्त कोण का मतलब कितना हुआ 180 डिग्री हुआ, यह बात आपकी सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। जो ऑप्शन नंबर कौन बता रहे बी बता रही बिल्कुल का उत्तर सही। जबकि कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है अर्धवृत्त के अंदर बना कोण कितने डिग्री का होता है, अर्धवृत्त के अंदर बना कोण कितने डिग्री का होता है, या अर्धवृत्त के अंदर अंतरित कोण कितने डिग्री का होता है, तब आपको करना है 90 डिग्री। कैसे करना मैं बता देता हूं, एक बार आपको सभी विद्यार्थी देखेगा, एक बार स्क्रीन पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। यह मान लेते अर्धवृत्त है, क्या अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त इस तरह से होता है, ठीक है। तो आपको कहा अंदरवृत्त अंदर अंतरित कोण या अंदर बना कोण यह होगा, अंदर बना कोण कौन सा होगा, यह वाला होगा। यह कोण आपको पता है कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपको पता होगा केंद्र पर अंतरित कोण का जो परिधि पर अंतरित कोण होता है वो आधा होता है। ये आपको पता है क्या एक सरल कोण है, यानी 180 डिग्री का कोण है, इसका मतलब ये इसका आधा होगा, कितना होगा 90 होगा। तो इस तरह से आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखना है, अर्धवृत्त के अंदर अंतरित कोण की बात करें तब तो आपको करना है कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, और आपको कहे अर्धवृत्त कोण कितने डिग्री का होता है तब करना है 180 डिग्री का। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 10 आपके स्क्रीन के सामने आगे, जो कि आर्मी के फेवरेट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हो चुका है। 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग बताओ, 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का आपको क्या बताना है, योग बताना है। तो आपको पता है एन प्राकृत संख्याओं का योग जानने का सूत्र क्या होता है, सभी विद्यार्थी जिनको पता नहीं नोट कर लीजिएगा, एन एन प्लस वन बटे में दो, एन एन प्लस वन बटे में दो आपको बताइए। अब आपको पता है एन का मान कितना है 100, 100 गुणा में क्या करोगे, 100 गुणा में आपको करना पड़ेगा 101, कितना 101 बटे में दो। अब दो से काट सकते हैं हम, कितनी बार कटा 50 बार, और 50 गुणा 101 का मतलब कितना आएगा 50 आपका जवाब आएगा, कितना आएगा 50 वाला जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे जल्दी से नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। ये क्वेश्चन तो आपको पता है काफी बार क्या काफी मतलब इतनी बार रिपीट हो चुका है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन लगभग देखने में मिलता है। क्या दे रखा है, यदि एक 200 मीटर लंबी ट्रेन एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा बताओ। चाल आपको पता है, चाल बराबर क्या होता है, सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय होता है, क्या होता है दूरी बटा समय होता है, ये सबको पता है दूरी बटा समय होता है। अब दूरी कितनी देर की आपको, क्योंकि जब कोई पोल या खंभे को पार करती है, कोई टावर को पार करती है, तो दूरी क्या लेते हैं, ट्रेन की लंबाई लेते हैं, इसका मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी है 200 और समय कितना है 5, इसका मतलब 200 बटे हुए 5 यानी कितना 40 क्या आएगा, ये चार बार कितना ना 40, ये तो आएगा किस में मीटर पर सेकंड में, किस में आएगा मीटर पर सेकंड में, आप ध्यान करना आपको क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ, इसका मतलब किस से गुणा करना पड़ेगा, यदि हमें हटाना है मीटर पर सेकंड हटाना है किलोमीटर में लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता होगा 18/5 से गुणा करेंगे, किससे 18/5 से गुणा करेंगे। अब जल्दी से सभी विद्यार्थी गुणा जो भी करना है वो कर लीजिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। 18/5 से आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो आपको बताइए कितनी बार कटेगा, 5 से कटेगा, ये कितनी बार कटेगा 8 बार, कितनी बार 8 बार, और 8 × 18 का मतलब क्या होगा, 8 × 18 का मतलब आपको पता है 144 आने वाला है, कितना आने वाला है आपको पता है 144 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या आएगा जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो ए बता रहे हैं बिल्कुल का उत्तर सही। आराम से कर लेना, कोई इस क्वेश्चन में हार्ड बात ही नहीं है, आपको पता चल गया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्या दे रखा है, एक
सम अष्टभुज के प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। पहले तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन आपके ऐसे आ जाए कि अष्टभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है। तो कोई भी बहुभुज होता है उसके कोणों का योग जानने का सूत्र क्या होता है, एन एन आपको पता है एन माइनस दो गुणा में कितना होता है 180 डिग्री होता है। यह आपको पता होना चाहिए। किसी भी कोई सा भी बहुभुज क्यों ना हो उसकी भुजा आपको दे रखी हो तो आप बता सकते हैं उसमें कोणों का योग क्या होगा, यानी आंतरिक कोणों का योग। तो आपको पता है कौन सा है आपका, आपका दे रखा है अष्टभुज, इसका मतलब 8 माइनस में 2, क्योंकि एन का मान कितना दे दिया 8 दे दिया, माइनस 2 और गुणा में कितना 180। यह आपका क्या होगा, यह तो योग होगा, टोटल योग होगा, सभी कोणों का योग होगा। लेकिन अगले ने कहा प्रत्येक कोण, और कहा प्रत्येक कोण क्या है बराबर है, इसका मतलब सबको बराबर बांटना है, और कोण कितने हैं 8 है, इसका मतलब हम 8 का क्या दे देंगे भाग दे देंगे। यदि आपको कहता ना योग बताओ तब तो ऊपर वाला इतना ही करते, आपको बता बट्टे में 8 नहीं लगाते। लेकिन अगला क्या कह रहा है, प्रत्येक कोण का मान बताना है। अब जो कट रहा है काट देते एक बार, ये 6 गुणा में कितना, 6 गुणा में 180 बट्टे में कितना 8, बट्टे में कितना 8। अब जल्दी से काट देते, ये 2 से काट दो 3 बार, ये 2 से कितनी बार कटा 4 बार। अब 4 से इसको काट देते कितनी बार कटता देखते, 4 से ये कटेगा कितनी बार 4 बार, फिर कितनी बार 45 बार, यानी कुल मिलाकर 45, और 45 गुणा 3 का मतलब कितना होता है 135 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है तो नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ए बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 13 आपके स्क्रीन के सामने ऐसा क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। अब ये क्वेश्चन देख के विद्यार्थियों को हंसी आ जाती है कि ये क्वेश्चन आता क्यों है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, फिर बता रहा हूँ, 28 अक्टूबर 2018 को जो भर्ती हुई थी ना, बीकानेर भर्ती जो हनुमानगढ़ गंगानगर के साथ हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन आया था 3 घंटे में कितनी मिनट होती है। तो 3 घंटे में तो आपको पता ही है कितनी मिनट होती है, 3 × 60 कर दो कितना आएगा 180 आएगा, 3 × 60 का मतलब कितना आएगा 180 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, बी राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। अगला आपके इनके सामने लेते हैं 14। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। किसी वस्तु को 6800 रुपए में बेचने पर 75% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो क्रय मूल्य हम कितना मानते हैं, पहले शुरुआत वाला क्रय मूल्य होता है आपको पता है, तो उसका हम मानते हैं 100। कितना मानते हैं 100, तो आपको पता है 75 की क्या होगी, हानि होगी। इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा, आपको पता चल गया 25 होगा। कितना होगा 25 होगा। अब आपको दिया क्या रखा है, 25 बराबर आपको दे दिया विक्रय मूल्य तो आपको दिया है, 25 बराबर आपको कितना दे दिया, 25 बराबर आपको दे दिया 6800। कितने दिया 6800 दिया बिल्कुल। तो आपको एक बराबर निकालना पड़ेगा, पहले तो 6800 बट्टे में कितना, 6800 बट्टे में 25, और गुणा में आपको क्या निकालना है, आपको निकालना उसका क्रय मूल्य, इसका मतलब गुणा में 100 लिख देते हैं, और ये 25 से काट दो कितनी बार कटेगा 4 बार। 6800 गुणा 4 आप करके देखोगे तो 20, फिर बात कर लेते 4 से गुणा किया 32, हासिल लगी 3, 24 3 27, 27200 रुपये आपका जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो बता रहे ना ये बिल्कुल उनका उत्तर सही, 27200 रुपये आपका क्या आएगा, जवाब आएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एक बार नोट कर लीजिएगा, जिनको समझ में नहीं है, आपको क्रय मूल्य 100 मानना है, विक्रय मूल्य 75 कम कर देंगे 25, और विक्रय मूल्य आपको वैसे कितना दे रखा है 6800, 25% बराबर 6800 है, इसका मतलब एक बराबर निकालेंगे, फिर आपको क्रय मूल्य निकालना है, इसका मतलब 100 बराबर निकालना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है, वर्ग का परिमाप क्या होता है। वर्ग आपको पता है ऐसा होता है, कैसा होता है ऐसा, इसका परिमाप आपको पता है, परिमाप का मतलब चारों ओर की लंबाई। तो यदि हम ये ए लिखे, ये मान ले तो एस लिखते हैं, साइड लिखते हैं, मान लो एस दे रखा है ना, क्योंकि आपको एस साइड, साइड का मतलब क्या होता है भुजा। तो आपको पता है परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा में भुजा। क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है आपको पता होगा, 4 गुणा में भुजा होता है, और भुजा यदि एस लेती है, साइड लेती है, तो आपको क्या होगा 4s हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल 4s बता रहे ना, ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और यदि क्षेत्रफल की बात करें तो भुजा स्क्वायर होता है, यानी एस का स्क्वायर होता है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ये थी दोस्तों आज की क्लास, कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई, तो क्लास को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बहुत ही शानदार क्लास हम प्रोवाइड करते हैं, सुबह 8 बजे तो रेगुलर लाइव आएगा और सेशन का फायदा उठाएगा, और अलग अलग प्ले लिस्ट बना रखे, सारे वीडियो जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।